जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की में बेहद विनाशकारी भूकंप आया हुआ है, आइए इस छोटे से वीडियो में देखते हैं किस तरह से भूकंप आया और सबसे पहले कहां पर आया तुर्की में भूकंप और किस तरह से भूकंप ने प्रभावित किया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वह छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर के बनी है। मान लीजिए हमारे पास इस समय दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये दोनों इस प्लेट की दिशा इस तरफ है, एक इस प्लेट की दिशा इस तरफ है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के सिरों के सहारे खिसक रही हैं, इसकी इधर दिशा इसकी इधर दिशा। अब देखिए भूकंप की ऊर्जा जहाँ से सबसे पहले निकलती है उसको कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप का केंद्र। वह स्थान जहाँ पर भूकंप की ऊर्जा पहली बार महसूस होती है, जहाँ पर तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये तरंगे जो हैं फिर सीधे सीधे सतह की ओर दौड़ेंगी। ये मान लीजिए सतह है, ये हमारी सतह है, क्रस्ट की ऊपरी भाग है, सतह है, ये यहाँ पे केंद्र था, यहाँ से ऊपर की ओर दौड़ेंगी तो सबसे पहले जहाँ पर सतह पर महसूस होगा झटका, तरंग जहाँ पे पहुँचेगी उसको अधिकेंद्र कहेंगे। तो मान लीजिए तुर्की में भूकंप आया है तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पे, तो तुर्की और सीरिया का बॉर्डर ये रहा, इसके नीचे कहीं पर भूकंप का मुख्य केंद्र होगा और जहाँ पे पहली बार झटका महसूस किया गया वो अधिकेंद्र कहलाता है। तो इस तरह से तरंगे चारों दिशाओं में चल पड़ती हैं। देखिए तुर्की है, ये जो देश है वो तुर्की है, राजधानी इसकी अंकारा है और तुर्की का ये जो गाजियान टेप जो शहर है गाजियान टेप, ये सीरिया के बॉर्डर पे, ये सीरिया का नीला बॉर्डर है, सीरिया के बॉर्डर पे है, बॉर्डर के समीप है, दक्षिण तुर्की का एरिया है। यहीं पे सबसे पहले भूकंप आया यानी झटके सबसे पहले महसूस किए गए।